या अल्लाह हमारे मुकद्दर में भी ये दिन नसीब फरमा। आमीन। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो जी हाँ, कैसे हैं आप तमाम दोस्त? हमारी तरफ से आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, शादी वो मेला है जहाँ कुछ और देखने को मिले या ना मिले, लेकिन शुगर मेला देखने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको शादियों के दौरान होने वाले ऐसे मजाहिया तरीन कारनामे दिखाने वाले हैं जिनको देखकर ज़रूर आप अपनी हंसी को नहीं रोक सकेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाज़रीन, सबसे पहले इनके काम चेक करें, एक दूसरे को मिठाई खिलाने के बजाय चपेड़े मारना शुरू कर देते हैं। और अब सर इस लड़के के काम चेक करें, एक ही दफा चावलों की पूरी प्लेट खाने लगता है, लेकिन आगे इसके साथ क्या सीन होने वाला है ये भी जरा देख लें। और अब सर इस पापा के हेलीकॉप्टर के काम चेक करें, शादी पर खाना खाने के बजाय जेब में डालना शुरू कर देती है। और ये वीडियो ऐसे खवातीन को लाजमी शेयर करें जो शादी पर जाती हैं लेकिन वापसी पर शापर भर कर आती है। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम दुनिया के किसी कोने में चली जाए लेकिन ये अपना पाकिस्तानी होने का सबूत लाजमी देगी। अब सर इनके काम चेक कर लें। म्यूजिक। नाज़रीन, इस दुल्हन के साथ वो गज़ब का प्रैंक हो जाता है। शादी के दिन इसकी सहेलियां रोने के बजाय हंसना शुरू कर देती हैं, लेकिन आगे क्या सीन हुआ ये भी जरा देख लें और अपनी हंसी को रोक कर दिखाएं। और अब सर इस बाइक के काम चेक करें, इसने तो कमाल की टांगे ही तोड़ दी। लोग खाना खा रहे होते हैं लेकिन ये स्मोक वाली मशीन चला देता है। नाज़रीन, अगर वड़ने की बात करें तो वड़ने से कहते हैं। अब सर इस दूल्हे की हालत चेक करें, बारात के दिन बारिश आ जाती है और इस दूल्हे का प्रोग्राम तो वड़ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले करीब 4 घंटों से बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, उसके अलावा सब कुछ पूरी तरह से भीग चुका है। ये माहौल आपकी हिम्मत और आपके जोश को हरा सकता है। और अब सर इस दुल्हन के काम चेक करें, ये दुल्हे को मोमोज खिलाना चाहती है लेकिन मोमोज खिलाने के चक्कर में इसके साथ क्या सीन होने वाला है ये भी जरा देख लें। नाज़रीन, अब सर इस दुल्हे के काम चेक करें, ये दुल्हन को सिंदूर लगाना चाहता है लेकिन सिंदूर लगाने के बजाय सिंदूर में नहलाने लग जाता है। नाज़रीन, ऐसी किस्मत सिर्फ नसीब वालों की होती है। अब सर इनकी जोड़ी चेक करें और कमेंट बॉक्स में इनके बारे में अपनी राय लाजमी बता दें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाज़रीन, ये लड़का अपनी बीवी से सवाल करता है कि तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए। बीवी आगे से ऐसा जवाब देती है जिसको सुनकर आप इतना हंसेंगे कि अपना पेट पकड़ कर बैठ जाएंगे। और ये वीडियो अपने ऐसे दोस्त को लाजमी शेयर करें। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी, मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। नाज़रीन, अब सर इस दुल्हे के काम चेक करें और जरा सोचें कि दुल्हन की बजाय इसके साथ भैंस क्यों खड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ए मेरे मालका, बड़ा पापी है मैं, बड़े पाप कीते मैं, सजा दा हकदार है, मैंने सजा दे, मेरा बेड़ा गर्क कर दे, मेरा ब्याह करा दे। नाज़रीन, शादी के मौके पर दोस्त हो और कोई शरारत ना करें ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अब सर इनके काम चेक करें, ये दुल्हे को घूमने के लिए कहते हैं लेकिन आगे दुल्हे के साथ क्या सीन होने वाला है ये भी जरा देख लें। कौन है, कहां से आते हैं? तो फिर दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सरेन के काम चेक करें, दुल्हे को इंटे गिफ्ट में दे देते हैं लेकिन जब दुल्हा गिफ्ट देखता है आगे उसके साथ क्या सीन होने वाला है ये भी जरा देख लें।
और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नाज़रीन, शादी के मौके पर दोस्त हो तो वो शादी को चार चांद लगा देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनको शरारतों के अलावा कोई और काम होता ही नहीं। अब सरेन के काम चेक करिए, किचन का पूरा सामान दूल्हे को गिफ्ट कर देते हैं।